सो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? यस माय बच्चे, वेट लेट मी पुट इट, यस व्हाट हैपेंड, कम, यू वांट कोन आइसक्रीम, कैन यू से हाय टू एवरीबॉडी, से हाय, वी लव यू, ओके, सो जय जगन्नाथ, ओके, वेरी नाइस, एंड से जय माता दी. Yes, I can give a flying kiss to everybody. Okay. And what you want, can you tell? Oh, wow. What do you want? Ice cream. Cone ice cream? So, इनके लिए एक ice cream actually नहीं, ice cream का replica type है, chocolate. So, मैं कहा वो उनको ice cream जैसा भी दिखता है. तो मुझे भी आते हैं, मैं कहा वही खाओ. Cockroach will come from filter. Cockroach will, no, it will not come. We have already done the pest control, no? So, no, it will not come. It will come from under the filter and it will come down. Okay, so guys, आज है I think 7th day or something like that. So, थोड़ा सा time नहीं हो पाता है, कॉन कॉल्स और मीटिंग्स में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ. बच्चों को साइड में बिठा के कॉन कॉल चल रही होते हैं, उसका मजा ही अलग है वैसे, सही बताऊँ तो. एंड उसके साथ में आज बन रहा है ड्रमस्टिक्स आलू की करी, जिसको उड़िया में बोलते हैं बोगरा तरकारी. सो बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे. सो लेट्स मेक इट और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बनाते बनाते ना. से बाय, सी यू, बाय, सी यू. क्लोज योर आईज, गेट सम रेस्ट, आई एम बाय योर साइड, ले योर हेड ऑन माय चेस्ट. फाइनली अर्चना ने थोड़ी सी हेल्प कर दी मेरी, जो क्या बोलते उसको, डेट पाम, सजना, सजना राइट, उसको काट दिया, सब कुछ सेट कर दिया, सैनिटाइज करके बैठी हुई थी, अपना क्या बोलते हैं वो पहन के, ग्लव्स व्लव्स पहन के तरीके से काट उठती. मैंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा मतलब हो क्या जाता है ना जब आपके घर पे कभी कुछ ऐसा, तो यार थोड़ा कॉन्शियस हो जाना ना मुझे नहीं पसंद आता है. तो आई डो नॉट नो, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, बट मैंने उसको कम्प्लीटली मना किया है कि भैया देखो ऐसा है, ये कोविड से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना, न्यूज पे जाते रहना, एवरी डे इन एंड डे आउट क्या रहता है ना कि जब भी आप देखते हो उसमें हमेशा इसने, फोन आ रहा है मेरा वापस, इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्रॉब्ली मैं थोड़ी देर बात लेता हूँ. हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जब भी आप कंटिन्यूसली एक ही चीज को देखते रहते हो, उसको सुनते रहते हो, समझते रहते हो कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, या जो होना है तो होना ही है, बट यू कैन बी ओनली लिटिल प्रिकॉशियस एंड try to avoid yourself from these negative news or sab cheezon pe, right? So I do not want to comment ki, you know, bahut sari cheeze maine bhi dekhi hain, death ratios kya hai kya nahi hai, but theek hai, jinke apne pe guzri hai wo zyada behtar jante hain, to isliye no comments on those things, but people who are getting these, do not, please get rid away from the negative messages, negativities, warna aajkal har ek cheez dekhiye, aap kisi ko phone karo, जब ये नहीं भी हुआ था, जब अर्चना का पॉजिटिव नहीं भी आया था, तब भी फोन करो, आप कोई भी कन्वर्सेशन होता है उसमें कोविड जरूर और जरूर मेंशन करते हो, और फिर कोविड रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं, फिर अच्छा यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हाहाकार मच रहा है. सो होता क्या है कि डे इन एंड डे आउट आप जितनी बातें करते हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेटा फीड होता चला जाता, होता चला जाता, होता चला जाता है, राइट? आई डो नॉट नो, मुझे ऐसा लगा था कि मे बी अगर मैं शायद 2 या 3 दिन बाद और कराता टेस्ट तो शायद नेगेटिव आता, बिकॉज जैसे मेरा नेगेटिव आया, आई डो नॉट नो. तो माइल्ड चीज़ें ऑलमोस्ट सभी को ही हो रही हैं, सभी को होती जा रही हैं, तो उसका कोई वो नहीं है, हो सकता है वैक्सीन इफेक्ट से हो रहा हो किसी ना किसी. सो बट अल्टीमेटली क्या होता है कि किसी भी चीज़ से कोई चीज़ें हो रही हो, लेकिन आप फिर क्या होता है उसी चीज़ पे घिसते रहो, मारते रहो एक ही चीज़ को. सो डे इन एंड डे आउट कितना करोगे यार, एक दिमाग में भी एक लोड का एक लेवल होता है. तो मैंने अर्चना को कम्प्लीटली मना किया कि भैया देखो ऐसा है, एंजॉय योर टाइम, जो भी आपको सीरीज मूवीज और ये वो सब चीज़ें देखनी है, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं घुसना है कि क्या हो रहा है, व्हाट आर द सिम्टम्स, ये हो रहा है मुझे हल्का सा फीलर आए, यार वो नॉर्मल नज़ला, सर्दी, जुकाम, हल्का सा बुखार, हम लोग एंटीबायोटिक्स बचपन से भी तो खा रहे थे इतने टाइम से, लेकिन अब स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत होता है तो हम लोग इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार क्या हो गया, और सब लोग गूगल डॉक्टर हैं, है ना, आपको हल्का सा कुछ हो गूगल पे डालो, खट 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 खट, अच्छा ये डॉक्टरी हो गई मेरी, ये डॉक्टरी मैंने पास कर लिया, मैं समझ गया मेरे को ये चीज़ें हो गई. सो लेट्स नॉट डू दैट थिंग. कुछ अगर ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है तो बेटर है कि जाएं डॉक्टर को दिखाएं,
चीजें सेट करें, डॉक्टर की राय लें और खत्म करें। और नहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है तो अपने आपको ये नेगेटिव न्यूज से दूर रखें, क्योंकि ये नेगेटिव न्यूज और ये पोकिंग, ये नेगेटिव यू नो चैनल्स, नेगेटिव टॉक्स, इससे रिश्तेदार से ये से वो, ये सब पोक कर करके अगर आप अनकंफर्टेबल फील नहीं भी कर रहे हो तो भी आप अनकंफर्टेबल फील करना चाहते हैं। जैसे पिछले कुछ दिन से एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन, लाइक अर्चना सर कि नहीं एक काम करते हैं हम लोग एक ऑक्सीमीटर तो मंगा के रखते हैं। आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस, बिकॉज जब अनकंफर्टेबल फील नहीं है तो क्यों मंगाना है। फाइनली मतलब हम लोगों ने फिर सोचा कि होता है ना कि दिमाग में डाल दो, तो मेरे भी यार लगा मैं कह यार चलो जब आपके फैमिली पे होती है तो यू कैन नॉट स्टॉप इट, तो मैंने भी मंगा लिया, कल चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। तो होता क्या कि अगर कहीं गलती से उस मौके पे उस टाइम पे अगर थोड़ा बहुत नीचे या ऊपर कुछ होता तो मेरे भी दिमाग में आता। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स अंटिल अनलेस यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप सीधे सीधे डॉक्टर के पास जाएं, वहां दिखाएं। हमारे सारे आजू बाजू सारे सक्षम डॉक्टर्स हैं, सब लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, सबको उन्होंने अपनी जान पे खेल के सब चीजों को बचाया, तो ऑब्वियस बात है दे आर ट्राइंग टू डू गुड। सो लेट्स स्टॉप दिस, प्रोबेबली मैं कहीं और बात करते करते कहीं और चला गया, फिर प्रोबेबली पता चला कि आप भी ये वीडियो देखोगे, एट द एंड ये सोचोगे यार आदमी तो बोल रहा है इससे रिलेटेड बात मत करो लेकिन इन चीजें कर रहे हैं। तो ये सब छोड़िए, आप ये बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं, इंडिया में भी लॉकडाउन है तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में। और गाइस ये देखिए इन लोगों ने यहाँ पे क्या ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी करते रहते हैं। मेरा वर्क स्टेशन यहाँ पे है वर्क फ्रॉम होम से, और मेरे वर्क स्टेशन के बाजू में हनी बनी का वर्क स्टेशन। हनी बनी दिस इज योर वर्क स्टेशन एंड दिस इज डैडा वर्क स्टेशन, सो वी आर क्लैशिंग, डू यू नो दिस, वी आर क्लैशिंग विद ईच अदर। व्हाई यू वांट टू क्लैश विद डैडाज वर्क स्टेशन? दैट इज क्लैक्लू। व्हाट इज क्लैक्लू? दैट इज क्लैक, दिस इज क्लैक्लू। यहाँ पे ये रात को सोते हैं तो इस चक्कर में आज हमने क्या नाम है ये बेड को मैं बन्नी किया, उसके चक्कर में देखो यहाँ पे क्या सब बड़ा मजा आता है ना कभी कभी ऐसे सारा हुड़दंग मचाने में, सारा इधर से उधर करने में, उसका मजा ही कुछ और है। नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया तो प्लीज यहाँ कमेंट करके जरूर बताना, मैंने तो बहुत किया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा खुद का अपना बचपन वापस आ गया, यही सारे हुड़दंग करते रहते थे हम लोग भाई बहन सब लोग मिलके, कुछ ना कुछ करते रहो, घर घर बनाओ, घर घर खेलो, रसोई करने का ड्रामा करो। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये पीलो उधर लेके जा रहे हैं, इधर से उधर कूदेगा, एक बार गिरेगा सर फूटेगा तब याद आएगा जैसे अपन लोगों को होता था, पर अपन गिरने भी नहीं है इसमें। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज दिस हाउस? व्हिच हाउस इज दिस? मैगी हाउस। मैगी हाउस? मैगी हाउस। व्हाट इज मैगी हाउस? ये देखो टीम वर्क चल रहा है, जैसे अपन लोगों को होता है ना भाई बहन सभी का, तो इनका भी एक टीम वर्क चल रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब इन्होंने तकिए तो डाल दिए हैं, अब ये कूदेगा तो गिरेगा, तो मैं इन्होंने सारे तकिए यहाँ जमावड़े कर दिए, उधर से उधर कूद रहे हैं, उधर से बेड पे कूद रहे हैं। यस यस यस, ओके नाउ यू नीड टू बी साइलेंट एंड प्ले योर साइलेंटली सो दैट डैडा कैन ऑल्सो वर्क। ओके 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 ओके, आई नो यू आर अ गुड सर्कस मैन। ओके One fall down. Now Hanu will jump and Hani will also come. अब ठीक है, अब लग जाएगी तो फिर पता चलेगा। ओके नाउ डन, नाउ इट्स डन, एनफ नाउ, नाउ कीप योर टॉयज बैक। गाइस आ गई हूँ पिछले इतने दिनों से इसी सेम बैकग्राउंड के साथ में मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। तो बस जीत अभी आप लोगों से कुछ बातें कर रहे थे, मुझे सुनाई दे रहा था। सी जीत से मुझे उम्मीद थी कि वो कर लेंगे, वो स्टेप है कि हाँ मैं जैसे यहाँ से निकलूंगी बाहर निकलूंगी तो उनको पता है कि मैं करूंगी काम, तो
वो फिर और कुछ नहीं करेंगे, उनको पता है कि हम कोई करने वाला है तो ऐसे कपड़े फेंक देंगे, वो कर देंगे, वैसे करते हैं। बट जैसे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उन्हीं को ही करना है, तो फिर वो अच्छे से टेक केयर करते हैं। स्पेशली हनी बनी का तो वो करेंगे, मुझे तो इतना पता था, बट हनी बनी इतने समझदार से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हाँ, हमने थोड़ी सी लालच दी है उनको कि अगर तुम अलग सोओगे, मम्मा के पास नहीं जाओगे, देन आपको कार बेड मिलेगा, कार बेड। वैसे हमने सोचा तो था, इसी बहाने उनको एक लालच दिया, बट वो छोटे से लालच के साथ में उन्होंने और एक चीज़ ऐड कर दी है, पुलिस बाइक उन्होंने अपने से जोड़ दिया है वो। तो दो चीज़ के चक्कर में मतलब बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आते हैं, अलग से सोते हैं। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि हनी जो मतलब मेरे हाथ को बिना पकड़े वो सोता ही नहीं था, चाहे नींद में भी उसकी आँख खुल जाए वो पहले मेरे हाथ ऐसे ढूंढ के उसको पकड़ेगा, देन सोएगा। वो अलग से अकेले सोता है। बनी कभी कभी अगर दरवाजे के अंदर आने की कोशिश करता है ना, हनी उसको बोलता है कि डोंट गो अदरवाइज यू विल नॉट गेट कार बेड एंड पुलिस बाइक। मतलब खुद से सुसु कर लेते हैं, हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज खुद से करते हैं, 3 times जीत उनको खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग में, या कभी भी उनको अलग से भूख लगी कुछ हो, उनको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखे, खुद से लाते हैं, बस जीत को बोलते हैं कि डैडा ओपन कर दो, तो ओपन कर देते हैं तो वो खा लेते हैं, चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया। मतलब इतना ज़्यादा वो समझदार, मतलब ऐसे हैंडल करके मैंने सच में नहीं सोचा था। बहुत अच्छे से उन्होंने वो किया। तो पहले चीज़ तो यहाँ से निकलने के बाद ना, पहले तो मतलब कुछ दिन वो करके रेस्ट करके वैक्सीन लेके सबसे पहली चीज़ उनको एक कार बेड ला के देना है। पुलिस बैग तो ऑनलाइन मिल जाएगा, बट कार बेड ज़रूर उनके लिए मैं ला के दूंगी। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ बोल दिया और एसोसिएशन ख़त्म हो गया तो मैं उस चीज़ को भूल जाऊँ, क्योंकि उन्होंने जितना साथ दिया है ना, जीत अकेले शायद अगर वो रोते खाते नहीं वो करते तो जीत मैनेज नहीं कर पाते, बट उन्होंने इतना ज्यादा। यस बेबी, इट्स ओके, मामा विल टेक लेटर। यहीं से भी बातचीत होती रहती है। तो बस यही है, अभी फटाफट जीत अभी हनी बनी खिला ले, हनी बनी को जीत अभी खिला लेंगे, फिर मुझे भी खाना दे देंगे, हाँ खा लूंगी। बस यही है, मैं ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स में, और बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तो आराम से आपको बाहर जाके किचन में जाके मिलूंगी। ठीक है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मिलती हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। So guys, hello. Say hello. Welcome to the blog again by the 3 bloggers. Yeah. One blogger, one regular blogger is there inside. 3 bloggers are outside. So 3 bloggers blogging the blogging. Okay. Blogging the blogging क्या होता है भाई, मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। कोई बात नहीं guys. Again a overwhelming surprise. So जैसे कि every day and day in and day out. संग्राम एंड माया दिन में 2 बार एटलीस्ट तो मुझे ही फोन करते हैं, बातचीत कर रहे थे क्या है क्या नहीं हुआ। डेली बोलते थे कि अच्छा ठीक है, जैसे माया बोलती थी कि वरना मैं आ जाती हूँ टू टेक केयर ऑफ हनी बनी। मैं कहा नहीं भैया अभी मत आओ, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, बिकॉज जब तक थोड़ा सा नेगेटिव रिपोर्ट और चीजें नहीं आती कोविड की तो उसके बाद ही देखेंगे। वैसे ऑल वेल, बट वो भी इतने जल्दी क्या करें भैया, पता नहीं वो लेके इतना सारा सामान आ गए हैं। अभी देखो तो ये कुछ पूरन मल से गोलगप्पे हैं,
देन कुछ समोसे, चाट पकौड़ी है, ये भी कुछ एक अलग तरह का चाट पकौड़ी है, तो ये क्या है, ये कुछ मधुरा रेस्टोरेंट से कुछ मील्स हैं। अरे कुछ खाना वाना भी है इसमें, चार पांच डब्बे, चार पांच फॉइल पेपर्स, तो ये सारा मैं फोटो में देख करके पता चलेगा। लगता है रात का ही नहीं कल रात तक का जुगाड़ हो गया है। ये भगवान जी का फूल और प्रसाद, लगता है मंदिर से पूजा करके आ रहे। यार थैंक यू सो मच, आई थिंक दिस इज द मोस्ट बेस्ट थिंग जो मैं भी अर्चना को दूंगा और फिर वो अपने सर पे लगाएगी और तो बिल्कुल ही कोविड मुक्त हो जाएगी। तो ये चीज मैं आप लोगों के भी सर पे लगाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कभी कोविड ना हो और कहीं गलती से हुआ हो तो फटाफट आप मुक्त हो जाएं। लुको कैन यू से बाय बाय टू कोविड? यस ना हनी बनी ने बोल दिया तो कोविड विल बी बाय बाय फ्रॉम एवर। नाउ वी नीड टू सी व्हाट इज दिस। सी ये देखो, ये हनी बनी के लिए भी कुछ लेके आए हुए हैं। लुको व्हाट इज दिस, सी ये दिस अ रिमोट कार, दिस फॉर कैन यू से थैंक यू टू मामू एंड माई। फर्स्ट से थैंक यू टू मामू एंड माई, यस से संग्राम मामू एंड माई। ओ व्हाट इज माईज नेम, माई माई, नो माया माया, माया माई, ओके थैंक यू सो मच। उसके अलावा भी वो हनी बनी के लिए बहुत कुछ लेके आए हैं लेकिन मैं भी बोल नहीं रहा हूँ, मैं जानबूझ के उसको हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि इसको इनको हिंदी आधी आधी समझ में आती है। मैं वैसे बता दूँ बहुत सारे अंडे लेके आए हैं जो ये खेलते रहते हैं और उसके अंदर कुछ कुछ और भी हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ अदरवाइज वो क्या करेंगे अभी मेरे को पन्नी फाड़ के सब कुछ खोल देंगे। थैंक यू सो मच संग्राम एंड माया फॉर दिस एक्सीलेंट जेस्चर। मैं चिल्ला इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे से ये भी बहुत तेज हल्ला मचा रहे हैं। सॉरी गाइस, क्या करूं मैं, ये हल्ला मचा रहे हैं। What is that? Why you want to get down? Because you want to play with this, okay? Say thank you and bye bye to everybody. Bye. Then say see you soon. See you soon. Bye guys, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं चलता हूँ, मेरी कुछ ऑफिस के कुछ काम वगैरह मैं निपटा लेता हूँ, फिर आपसे बाय बाय। दिस इज द कार एंड दिस इज द रिमोट। क्या लेके आ गए इतना सारा? अरे भाई बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी ब्लॉग बनाया उसमें देख लेना। ये देख, ये कार और ये इतनी सारी। और कल तो और आपके ऑफिस से वो कलीग भी लेके आई खाना बोल रहे थे। हाँ अभी कल पता चलेगा वो। तो आपका भी मतलब मेरे ठीक हो रहे थे, इंतजाम हो गया। अरे बैटरी कहाँ रखी हुई है? बैटरी चेस्ट ऑफ ड्रॉअर के थर्ड ड्रॉअर में है। चेस्ट ऑफ ड्रॉअर के थर्ड ड्रॉअर में? हाँ। एक सेकंड। वेट, मिल गया बैटरी। नाम ये उनका गाड़ी वाली है। हाँ कुछ गाड़ी है रिमोट वाला। कार ऑल्सो वी नीड टू पुट, ओ भाई कार में भी बैटरी डालना है, इनको पता है मुझे नहीं पता, पता यार। तो इसके लिए भी वो चाहिए होगा अपने को पेज का बिट। इसका स्टोर रूम में है। ए इट विल गो आगे, इट विल गो पीछे, इट विल कम पीछे, इट विल गो राइट प्लेस, इट विल गो दिस साइड, इट विल गो लेफ्ट, इट विल गो हम ले देंगे ओके राइट साइड। You are also open? Yeah. Why? Only you play with one only. No, I am playing with two. Bunny, bunny, go there, go there. No, no toys for Bunny because Bunny is very bad.